उसमें जो है इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में मिस्टर शाहनवाज उनका इंतकाल हो गया था और जिन पांच व्यक्तियों ने इनके ऊपर में अटैक किया था वो भी उसी इलाके के ही रहने वाले बाशिंदे हैं। उनमें से एक व्यक्ति हैं वसीम, उसको ऑलरेडी हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी चार को जो है ढूंढा जा रहा है तो जल्दी ही उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। सर, फैमिली की तरफ से एक एलिगेशन लग रही है कि दे आर ट्राइंग टू शील्ड द कनेक्टेड पीपल एंड दैट्स व्हाई। नहीं नहीं, यू सी देयर इज नथिंग ऑफ द सॉर्ट एज फार एज वी आर कंसर्न। इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ रोड रेज वेयर अ यंग मैन हैज बीन किल्ड एंड वी आर गोइंग टू एंश्योर दैट ऑल दोज हु वर इन्वॉल्वड इन दिस इंसिडेंट आर ब्रॉट टू जस्टिस। वो अपनी धर्मपत्नी और दो बच्चों के साथ में मोटरसाइकिल से अपने पिताजी के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था। ये ही इनके पिताजी रहते हैं तुर्कमान गेट के एरिया में और ये खुद माता सुंदरी रोड के एरिया में रहता है। अपने घर की तरफ जा रहा था 11:20 के आसपास, तो उस समय इनकी गाड़ी से हल्की सी टक्कर हुई। उसके बाद में जो कार के अंदर में व्यक्ति था और उसके जो तीन साथी पीछे एक मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, उन्होंने चार व्यक्तियों ने इनके ऊपर में अटैक किया, पाँच व्यक्तियों ने, तो जिसमें इनका इंतकाल हो गया। बट सर, इज देयर अ पर्सनल एनिमिटी एंगल और इज इट प्योरली? नहीं, हम जो भी इसमें आवश्यक है वो किया जाएगा। ये बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे हैं, पर ये उस समय जो वाकया हुआ है ये डेफिनेटली अनकॉल्ड फॉर था। इस प्रकार से जो उनको पिटाई करना बिल्कुल जायज नहीं था। बट सर, फैमिली का ये कहना है कि उस वक्त जो बीट पे मौजूद थे पुलिसकर्मी, उनसे हेल्प की कोशिश मांग भी की थी लेकिन वहाँ से कोई आता ही नहीं। देखिए, इस बात को मैं देखूंगा।